हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। टुडे वी विल रीड थर्ड चैप्टर द डेजर्ट क्लास 7 एनसीईआरटी। सबसे पहले देखिए डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान, ठीक है। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज रियली लाइक। हम में से जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादातर पेड़ पौधे हैं या हिली एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा इमेजिन करना कि डेजर्ट कैसा होगा। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेनफॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। ज़्यादातर लोगों के ये बिलीफ है, ये विश्वास मानते हैं, मतलब ये लगता है लोगों को कि डेजर्ट क्या है, वो जगह जहाँ पर ना तो बारिश होती है, तो बारिश नहीं होगी तो कोई वेजिटेशन नहीं होगी, मतलब पेड़ पौधे नहीं होंगे, और दूर दूर तक सिर्फ सैंड सैंड ही पड़ी होगी, मतलब मिट्टी ही मिट्टी होगी। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। तो यहाँ पे ये सूखा होता है डेजर्ट, बहुत गर्म होता है, बिना पानी के होता है, विदाउट शेल्टर, मतलब कुछ नहीं होता, पेड़ पौधे वगैरह कुछ नहीं होता है, ये लोगों की मान्यता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, पर ये पूरी तरीके से बात सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटिफुल प्लेस। पर जिन लोगों ने इसके बारे में स्टडी की है वो कहते हैं कि डेजर्ट जो है एक बहुत सुंदर जगह है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग, एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उन्होंने रहना सीख लिया है, मतलब इतनी गर्म और सूखी कंडीशन में भी रहना सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एट इट इज इन अदर क्लाइमेट। तो ये बात सही है कि जो ज़मीन है वहाँ की, डेजर्ट की जो ज़मीन होती है हमेशा ग्रास से, घास से और पेड़ पौधों से ढकी नहीं रहती है, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। पर जब कभी भी यहाँ बारिश होती है, जो कि बहुत रेयर है, रेयर मतलब जो मतलब कभी कभार ही हो, ठीक है, तो जब कभी बारिश होती है तो यहाँ के जो फूल हैं वो खिल जाते हैं और यहाँ का जो नज़ारा होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है जैसे कि ट्रॉपिकल गार्डन, ट्रॉपिकल गार्डन मतलब जहाँ पेड़ पौधे, हरियाली वगैरह होती है उसे ट्रॉपिकल गार्डन कहते हैं। तो जब बारिश होती है थोड़ी सी भी तो यहाँ भी पेड़ पौधे खिल जाते हैं और फ्लावर्स जो हैं वो भी खिल जाते हैं। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज एज ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल। जो डेजर्ट होता है वो हमेशा फ्लैट नहीं होता, वो उसकी जो सूखी सूखी मिट्टी होती है वो चेंज होती रहती है, जैसे हवाएं होती हैं, हवाओं के साथ मिट्टी उड़ती रहती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो और दूसरा, यहाँ पे माउंटेन्स भी होते हैं, हिल्स भी होती हैं, ओसिस भी होती हैं, ओसिस छोटे या बड़े दोनों हो सकते हैं। तो ओसिस क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ओसिस भी होते हैं। अब ओसिस क्या होता है, एन ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। ओसिस जो बिल्कुल बीचों बीच ग्रीन आइलैंड होता है, डेजर्ट के बीचों बीच एक ग्रीन आइलैंड होता है जहाँ पर कुआं होता है या झरना होता है, जहाँ जिसकी जिससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके अच्छे चांसेस होते हैं ग्रो होने के। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मतलब यहाँ पे एक ओसिस का वो बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एक झरना वो है आपका, नदी टाइप का है, तो प्लांट्स वगैरह हो रखे हैं, ठीक है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट है वो गर्म भी हो सकते हैं जैसे कि थार डेजर्ट, और ठंडे भी होते हैं जैसे कि लद्दाख। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट। पर लोग क्या सोचते हैं, मतलब बोलते क्या हैं, अगर जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर पेड़ पौधे फल फूल नहीं हैं, तो वो डेजर्ट है, ठीक है। हम लोग यही सोचते हैं ना, डेजर्ट क्या है, जहाँ पे रेगिस्तान है, मिट्टी मिट्टी है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, कोई पानी नहीं होगा, तो वो डेजर्ट है। बट हमेशा सूखा गर्म ऐसा भी नहीं होता कि डेजर्ट हमेशा गर्म हो, सूखा हो और कोई पेड़ पौधे ना हो। डेजर्ट ठंडे भी होते हैं, वहाँ पर हिल्स भी होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट्स होते हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट।
तो क्या होता है, जो जो कुछ जगहों पे जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता, तो वहाँ पे क्या होता है, रेत जो है, मिट्टी जो है, उड़ती रहती है और उड़ उड़ के सैंड ड्यून्स बनाती है। सैंड ड्यून्स होते हैं रेत के टीले, जैसे ये इस तरीके से बनती है। तो जब हवा चलती है तो ये उड़ के फिर दूसरी तरफ रेत चली जाती है, फिर और जगह दूसरी जगह सैंड ड्यून्स बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से सैंड ड्यून्स बनती चली जाती है। तो फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। तो कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जो मिट्टी है जो उड़ रही है, ऐसी सूखी मिट्टी में सर्वाइव कर पाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। फिर उसके बाद है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सारी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। पर कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स भी हैं जो डेजर्ट में डेवलप हो रहे हैं, मतलब जो विकसित हो रहे हैं, और उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। मतलब ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पर यहाँ पर डेजर्ट में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कम पानी में भी फलते फूलते हैं। अब जैसे अगर एनिमल्स की बात की जाए तो कैमल, द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कैमल जो है, ऊँट जो है, उसे शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक टाइम, मतलब ये, मतलब वहाँ पर ऊँट की सवारी होती है और उससे ऊँट जो है आसानी से मिट्टी पे चल सकता है, रेत पे। ठीक है, और ये एक टाइम में बहुत सारा पानी पी सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। जो कैमल है, ऊँट जो है, काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। अब क्यों ऐसा, क्यों, रीज़न क्या है इसका? द रीज़न इज़ दैट दे स्वेट वेरी लिटल, क्योंकि वो जो है उनको पसीना बहुत कम आता है। स्वेट मीन्स पसीना। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें जो पसीना आता है वो इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हमें पसीना तब आता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हमें पसीना आने लग जाता है और ये हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, जबकि जो कैमल है वो बहुत ज़्यादा हाई बॉडी टेम्परेचर में भी रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो इसीलिए, क्योंकि वो स्वेट नहीं करते हैं, पसीना नहीं होता उन्हें, तो इसलिए वो जो उनके अंदर पानी है, पानी जो उनको कम प्यास लगती है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डो नॉट ड्रिंक वाटर। अब जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल जो हैं वो पानी नहीं पीते। दे बरू अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बरो बना लेते हैं। बरो मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, जैसे बिल टाइप का, जैसे कह सकते हैं, वो कर लेते हैं और पूरा दिन तो उसके अंदर रहते हैं और रात होते ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि रात में ठंडक होती है। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और जो जो एनिमल्स होते हैं, ये जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, उन्हें उनका पानी की पूर्ति कैसे होती है, वो जो दूसरे छोटे एनिमल्स को जो खाते हैं तो उनमें मॉइस्चर जो होता है, उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है, उससे उनके पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। और जो प्लांट्स खाते हैं, अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस। तो वो जो दूसरे प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो जो सीड्स होता है, जो प्लांट्स का जूसेस होता है, उनसे उनकी पूरी पानी की कमी पूरी हो जाती है। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडॉप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लेड कैक्टस प्लांट्स टू वाटर इन देयर थिक स्टेम। इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स भी, उन्होंने भी मतलब कम पानी में सर्वाइव करना सीख लिया। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं कम पानी में भी, जैसे कि कैक्टस प्लांट है। कैक्टस प्लांट उन पानी को कहाँ स्टोर रखता है, अपनी मोटी मोटी स्टेम में। ठीक है, जो तना होता है ना उसका, उसमें दे रूट लाइज क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। जो इसकी रूट्स होती हैं कैक्टस की, वो ज़मीन के बहुत नज़दीक होती है, मतलब ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, जिससे क्या होता है, थोड़ी बहुत रेन, कभी कभार जो बारिश होती है हल्की फुल्की, तो मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर मतलब होता है नमी। ठीक है, तो जो नमी आ जाती है वो उसको सोख लेती है। ठीक है, जो कैक्टस प्लांट होता है वो उसको सोख लेता है उस नमी को, और इससे क्या होता है, उसकी जो पानी की नीड है वो उसी से पूरी कर लेता है। मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस
एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। जो सबसे बड़ा फीचर है, मतलब लक्षण जिसे कह सकते हैं डेजर्ट का, वो कह सकते हैं कि ड्राइनेस है और टेम्परेचर है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और वहाँ सूखा रहता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सर्फेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। अब जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जहाँ मतलब नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वहाँ पर, वो एक ब्लैंकेट का काम करता है। ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल या चद्दर जिसे कह सकते हैं, वो एक मतलब एटमोसफियर में एक चद्दर का काम, चादर का काम करता है, जिससे जो सूरज की गर्म किरणें हैं, हवाएँ हैं, हॉट रेज है, वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जिससे क्या होता है, हॉट रेज नहीं हो पाती, हॉट रेज ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, तो ये हमारे एक ब्लैंकेट का काम करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। लेकिन ये मॉइस्चर का ब्लैंकेट जो है डेजर्ट में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है तो मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी वहाँ की हवा में। ठीक है, नमी नहीं होगी तो जो ब्लैंकेट का काम जो करता है वो नहीं होगा वहाँ पे, तो जिसके कारण वहाँ की डेजर्ट की जो ज़मीन है वो जल्दी से दिन में गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि सूरज की जो रेज़ है, सन की जो रेज़ है, वो सीधी पड़ती है और जिससे वो गर्म हो जाती है। और इसी तरीके से जैसे ही सूरज ढल जाता है तो वो जल्दी से ठंडी हो जाती है रात में। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशन। डेजर्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर का, नेचर के प्लान का। ठीक है, तो ये डेंस फॉरेस्ट की तरह भी हो सकता है, मतलब जैसे फॉरेस्ट होते हैं हरे भरे पेड़ पौधों की तरह भी हो सकते हैं, इनमें डीप ओशन भी हो सकते हैं, मतलब गहरे गहरे समुद्र। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि यहाँ सूखा और क्या कहते हैं, हॉट होता है, गर्म होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें इसे यूजलेस पार्ट समझ के छोड़ देना चाहिए, हमें इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये यूजलेस पार्ट है अर्थ का, तो ये भी एक ब्यूटीफुल पार्ट है नेचर का। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।